और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं जस्ट आप फ्री फायर गेम को ओपन कर रहे होंगे, तो मैं आपका फ्री फायर गेम जो है ओपन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे फ्री फायर गेम के अंदर OB30 का अपडेट आ चुका है, जिसके कारण हमारा फ्री फायर गेम अभी मेंटेनेंस पर है। तो फ्रेंड्स OB30 अपडेट के बाद आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे हमारे फ्री फायर गेम के अंदर, और साथ ही साथ आपको कुछ फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या नया आइटम जो है फ्री फायर गेम के अंदर ऐड किया गया है, और कौन सा रिवॉर्ड्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, साथ साथ चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मेन अपडेट के बारे में बताऊंगा, जो कि सबसे खास अपडेट है, और फिर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा रिवॉर्ड्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने फ्री फायर गेम के अंदर गेम खेलते समय कहीं पर भी वेंडिंग मशीन को मंगवा सकते हैं एयर ड्रॉप के जरिए। यहाँ पर लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से आप अपने एयर ड्रॉप को कहीं पर भी किसी स्थान पर गेम खेलते समय मंगवाते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम एयर ड्रॉप के स्थान पर वेंडिंग मशीन को मंगवा सकते हैं, और इसी वेंडिंग मशीन से आप किसी भी प्रकार के आइटम्स को परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और फिर सब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो फिर यहाँ पर लोग देख सकते हैं हमारे फ्री फायर गेम में एक नया गन जो है ऐड किया गया है, वेपन ऐड किया गया है, जिसका नाम है ट्रीटमेंट स्नाइपर। जिस प्रकार से आपको लोगों को पता होगा कि हमारे फ्री फायर गेम में एक मिनी ट्रीटमेंट गन होती थी, तो फिर उसी प्रकार से आपको एक बड़ा गन देखने को मिल जाएगा, जो कि एक ट्रीटमेंट स्नाइपर कुछ इस प्रकार का गन देखने को मिलेगा। और ये गन आपको मिलेगा बैटल रॉयल के गेम में, जो भी बड़ा ग्राउंड का मैच होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोग देख सकते हैं आप सभी को एक बिल्कुल फ्री में गन मिलने वाली, जिसका नाम है M4A1, और ये फ्रेंड्स ये गन मिलेगा क्लास स्क्वाड सीजन 9 के रिवॉर्ड्स है, यानी जब आप क्लास स्क्वाड सीजन 9 में गोल्ड थ्रिल को क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको M4A1 का गोल्डन कलर का गन स्किन दिया जाएगा। और फिर कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिसके स्किल में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया, जो हमारा फर्स्ट करेक्टर है यहाँ पर लोग देखते हैं, जिसका नाम है क्रोनो करेक्टर। इसका जो है मूवमेंट स्पीड को 15% से 10% कर दिया गया है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका स्किल ड्यूरेशन जो है 8 सेकंड से 5 सेकंड कर दिया गया है, यानी जब आप क्रोनो को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो है जो क्रोनो होता है वो केवल 5 ही सेकेंड रहेगा। और फ्रेंड्स इसका जो है काउंट डाउन यानी क्रोनो चार्जिंग जो है इसका जो है स्पीड को स्लो कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले जो है 170 सेकेंड लगता था चार्ज होने में, लेकिन फ्रेंड्स अपडेट के बाद आपको 220 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्रोनो चार्ज होगा। उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उकोंग करेक्टर। इस करेक्टर का जो है मूवमेंट स्पीड को जो है घटा दिया गया है 20% का। जब अपने उकोंग करेक्टर को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपका मूवमेंट स्पीड जो है 20% कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड्रयू करेक्टर। तो फ्रेंड्स इसका जो है डैमेज ड्यूरेशन में भी कमी किया गया है, जहाँ पर 8 का डैमेज होता था तो वहाँ पर जो है केवल 5 का डैमेज रह गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी चेंजेस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीरो करेक्टर, जो कि है डैमेज डिलीवर करेक्टर है। तो फ्रेंड्स इसका जो है काउंटडाउन को बढ़ाया गया है, सॉरी काउंटडाउन को जो है घटाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले जो है 20 सेकेंड लगता था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अब 10 ही सेकेंड लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हमारा कस्टम रूम होता है उसमें जो है अब आप 6 वर्सेस 6 का स्क्वाड कर सकते हैं। अगर आप कस्टम रूम क्रिएट करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप 6 प्लेयर को एक तरफ और 6 प्लेयर को दूसरे तरफ जो है रख कर गेम प्ले कर सकते हैं, यानी एक मैच में टोटल 12 लोग जो है गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास कस्टम रूम कार्ड का होना जरूरी है। और फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर लोग देख सकते हैं क्राफ्ट लैंड। तो फ्रेंड्स इस अपडेट के जरिए अब आप अपने मन से कहीं पर भी किसी प्रकार का लोकेशन को क्रिएट कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का लोकेशन बना पाएंगे, यानी कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार के घर हाउस झोपड़ी साथ ही साथ पेड़ पौधे को रख पाएंगे, यानी अपने मन से जो है लोकेशन को क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपके पास क्राफ्ट लैंड कार्ड जो है होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस पर मैंने वीडियो एक बना दिया है कि किस प्रकार से जो है आपको क्राफ्ट लैंड कार्ड मिलेगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा और इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जाकर हो सके तो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कुछ वेपन्स हैं जिसके
एट्रीब्यूट में जो है बदलाव किया गया है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट गन है सपास गन, यहाँ पर लोग देख सकते हैं इसका जो है रेंज को 10% बढ़ाया गया है। जो हमारा नाइफ है छुरी है इसका जो है डैमेज को 50% बढ़ाया गया है और रेट ऑफ फायर को भी 20% बढ़ाया गया है। और जो हमारा ग्रेनेड होता है इसका जो है डैमेज को 25% कम कर दिया गया है। पहले से 25% जो है ये ग्रेनेड कम डैमेज देगी। जो हमारा नेक्स्ट गन है P90 इसका जो है रेंज को 10% बढ़ाया गया है। और उसी प्रकार से जो हमारा AWM है इसका जो है अर्मोरर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिटेंशन जो है 8% बढ़ाया गया है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट गन है SKS गन, इसका जो है डैमेज को 25% बढ़ाया गया है, यानी मिनिमम जो है 25% अधिक ही डैमेज देगी। जो हमारा मेन गन है वेक्टर गन, इसका जो है ऑल एट्रीब्यूट को घटाया गया है। जो इसका रिलोड स्पीड है उसको जो है माइनस किया गया है, यानी 20% माइनस किया गया है। और फिर जो इसका रेट ऑफ फायर है उसको भी 5% माइनस किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका मूवमेंट स्पीड को भी 4% माइनस किया गया। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो का लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।